भारत और बांग्लादेश के बीच पुणे में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम का एक मजेदार वीडियो सामने आया है। बीसीसीआई ने वीडियो ट्वीट किया है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले केएल राहुल मैच को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस मैच में रविंद्र जडेजा की भी जमकर तारीफ की। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में भारत के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने सभी की तारीफ की। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में अवार्ड देने की शुरुआत हुई है। टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप हर मैच के बाद बेस्ट फील्डर की घोषणा करते हैं, जिसे अवार्ड के रूप में मेडल दिया जाता है। इस मैच के बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप अवार्ड के विजेता का नाम घोषित करने से पहले मैच में अच्छी फील्डिंग करने वाले रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और कुलदीप यादव की तारीफ कर रहे थे। इस समय तक सिर्फ तालियां ही बज रही थी। इस बार फील्डिंग कोच ने मैच के बेस्ट फील्डर घोषित करने का नया तरीका निकाला। उन्होंने स्टेडियम में लगी स्क्रीन पर बेस्ट फील्डर का मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की फोटो डिस्प्ले कराई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विजेता की घोषणा के लिए ऐसा तरीका अपनाया जाएगा। इसके बाद सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले कोच राहुल द्रविड़ भी खुद को नहीं रोक पाए। इसके बाद ईशान किशन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव ने टी दिलीप को गले लगा लिया। इस दौरान टी दिलीप बचते हुए नजर आए। इस बार बेस्ट फील्डर का मेडल टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने जीता। जडेजा ने इस मुकाबले में बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम का एक डाइव लगाते हुए पॉइंट पर शानदार कैच लिया था। रविंद्र जडेजा को बेस्ट फील्डर का मेडल केएल राहुल ने पहनाया। केएल राहुल ने पिछले मैच में यह अवार्ड जीता था। इस मुकाबले में भी राहुल दावेदार थे। उन्होंने विकेट के पीछे मेहंदी हसन का एक शानदार कैच लिया था, लेकिन अंत में जडेजा ने बाजी मार ली।